वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज मोहम्मद अशरफ और आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अशरफ टेक पर। अगर आप कैलकुलेटर ऐप को रखते हो अपने फ़ोन पर फोटो वीडियो को हाइड करने के लिए और किसी कारण से आपके कैलकुलेटर एप्लीकेशन से कोई सा फोटो या फिर वीडियो डिलीट हो जाए तो उस फोटो वीडियो को किस तरह रिकवर किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। अगर आपके फ़ोन से कैलकुलेटर ऐप से कोई सा फोटो वीडियो डिलीट हो गया है उस फोटो वीडियो को ईजिली रिकवर कर पाएंगे तो किस तरह करना है जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यहाँ से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन देख पा रहे होंगे इस पर क्लिक कर यहाँ पे ऑल पर सेट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको आके कमेंट कर देना है आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, गुड वीडियो, नाइस वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना कैलकुलेटर ऐप को ओपन करना है, जो भी पासवर्ड आपने दिया है उस पासवर्ड को डालकर आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैंने भी अपना यहाँ पे बहुत सारा फोटो को हाइड करके रखा है। यहाँ पे मैं गैलरी पे जैसे क्लिक करूंगा तो मैंने जितना सारा फोटो को यहाँ पे हाइड किया है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 6 फोटो है, 1 वीडियो है, मैंने इन फोटो वीडियो को हाइड करके रखा है। अगर मुझसे ये सारा फोटो वीडियो अगर डिलीट हो जाए तो मैं किस तरह इसे रिकवर करूंगा, तो आप देख सकते हैं मैंने सारा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का, हम डिलीट पर क्लिक कर यहां से इसे डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो सारा फोटो वीडियो है वो अभी डिलीट हो चुका है। मैं अगर कहीं पे भी ये सारा फोटो वीडियो को ढूंढने का कोशिश करूंगा तो वो नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो फोटो वीडियो था वो यहां पे डिलीट हो चुका है। अब आइए बात करते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हो, आपके फोन से आपके कैलकुलेटर ऐप से आपका फोटो वीडियो डिलीट हो जाए तो उसे आप किस तरह रिकवर करेंगे। रिकवर करने से पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो को सबसे पहले आपको एक लाइक कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को आपको प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से आपको अपना एप्लॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फिर से यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब दिखाते हैं किस तरह अपना डिलीट हुआ फोटो को यहाँ पे रिकवर करेंगे। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये नोट के बगल में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसाइकिल बिन का, हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जो है फोटो वीडियो को यहाँ से डिलीट किया था वो यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। 10 दिनों के अंदर मैं चाहूँ तो ये सारा फोटो वीडियो को इजीली रिकवर कर सकता हूँ। अगर 10 दिनों से ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर 10 दिन के बाद मैं यहाँ से फोटो वीडियो को रिकवर करने का कोशिश करूंगा तो वो यहाँ पे नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डेज लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं 10 दिनों के अंदर ये सारा फोटो वीडियो को रिकवर करना चाहूँ तो इजिली रिकवर कर सकता हूँ। ये फोटो वीडियो को रिकवर करने के लिए आपको फिर से सारा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक है डिलीट परमानेंटली का और एक है रिस्टोर का। हम यहाँ पे रिस्टोर पर क्लिक करते हैं तो ये जो आप देख पा रहे होंगे फिर से आपको गैलरी के अंदर जाकर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब फिर से मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा जो फोटो वीडियो है वो फिर से यहाँ पे वापस आ चुका है। सही सलामत मेरा जो फोटो वीडियो है वो यहाँ पे सेफ है। इसी तरह आप भी अगर आपके फोन से आपके कैलकुलेटर एप्लीकेशन से कोई सारा फोटो वीडियो अगर डिलीट हो गया है तो उससे इजिली रिकवर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।